दिल्ली के AICC दफ्तर में काफी इंतजार के बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है, लेकिन पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत और 5 नेता हिस्सा नहीं ले सके। CWC की मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी CWC की बैठक में G23 के नेताओं पर जमकर बरसी। सोनिया ने बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने, G23 के नेताओं की बयानबाजी और असंतुष्ट नेताओं की मांगों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने G23 के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो पार्टी के नेताओं से खुलकर बात करती हैं, मगर उनसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं। जिंद में किसानों ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के सामने JJP और BJP नेताओं का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसान 11 महीनों से देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पुतले फूंकने का सरकार पर असर जरूर पड़ेगा। सरकार पर तो असर पड़ेगा, देखो हमने एक छल में फूंक दिए, जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री तोमर और प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद विजेंद्र सिंह और UP का मुख्यमंत्री योगी को आज हमने पुतले के रूप में एक छड़े में फूकने का कार्य किया। ये क्यों किया है कि किसान बड़ा हताश और नाराश है, लगभग 11 महीनों से देश की राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये सरकार कस से मस नहीं हो रही है। दूसरा, जो दुष्यंत चौटाला कहता था कि अगर MSP। वहीं जिंद के सफीदो रोड स्थित बैरागी धर्मशाला में बाबा बंदा वीर बैरागी की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर समाज के लोगों, विशेषकर युवाओं ने उनकी वीर गाथा का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि बाबा बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के सानिध्य में रहकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये महसूस किया कि मुगलों ने जो है ना पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर जो है ना अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वो तरह तरह के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी ने नादेड़ के जंगलों में जाकर हमारे माननीय योद्धा बंदा वीर बिरागी जी को याद किया और वहाँ जो है ना उनसे शपथ दिलवाई। उसके बाद उन्होंने, बंदा वीर बिरागी जी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और सेना तैयार करके मुगलों के साथ उन्होंने युद्ध किए और मुगलों का साम्राज्य जो है ना यहाँ से समाप्त किया। उत्तरी भारत में सारे जो है ना बंदा वीर बिरागी ने अपना परचम लहराया। उसके बाद जो है ना आज सिखों में भी, हिंदुओं में भी और सभी सामाजिक संस्थाओं में आज बंदा वीर बिरागी का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। झज्जर के गांव सुरहेती के पास एक ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया और मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। इसका ट्रैक्टर के ऊपर सवार होके वो खेत में जा रहा था, रास्ते में अचानक इसका खेत के समीप बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर था वो पलट गया और ये ट्रैक्टर के नीचे पानी का नाला था, उस नाले पे गिर के ऊपर ट्रैक्टर गिर गया, यहाँ गर्दन पे ट्रैक्टर के ऊपर तो गिर गया ट्रैक्टर, गर्दन पे गिरने से मौत हो गई। मौत हो गई। कितने बजे घटना जना? ये शाम को करीब 4 बजे के आसपास। अच्छा, हाँ, तो शाम को इसकी डेड बॉडी हमने यहाँ भिजवा दी थी JJ और अब सुबह इसका रुख सब पोस्टमार्टम। किसके बयान पे कार्रवाई की? फादर हैं धनीराम, उनके बयान के ऊपर हमने कार्रवाई।